इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन व्हाइट ईएससी देन सेंट्रल मैक्सिमा। हाँ ये भी एनसीईआरटी की बात है बेटा, और कोई नहीं लिखता, और कभी पूछा जाने वाला, बता दिया मैंने, ये कहीं नहीं लिखा हुआ किसी ना, एससी में भी नहीं है। ठीक है, पर एनसीईआरटी ने बहुत कुछ क्रुशियल पॉइंट इस चैप्टर में मेंशन कर रखे हैं शुरू में, तो उनमें से ये पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है कि अगर मान लो अभी तक मैं सब मोनोक्रोमेटिक लाइट कह रहा था, मोनोक्रोमेटिक क्यों कह रहा था बेटा, क्योंकि अगर आप व्हाइट लाइट यूज करोगे ना तो आपको कुछ क्लियरली फ्रिंजेस दिख ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि आप देखो फ्रिंज विड्थ में लेमडा का एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं, तो अलग अलग मैक्सिमा अलग अलग पोजिशन पर बनेगी, इसका निकाल लो, किसी पर्टिकुलर मैक्सिमा की पोजिशन देखोगे तो एन लेमडा, लेमडा पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, आप सारी व्हाइट लाइट मतलब सारी वेवलेंथ, ठीक है, तो स्क्रीन पर क्या होगा, आपको मिक्स पैटर्न दिखाई देगा, कोई भी फ्रिंज आपकी क्लियर नहीं होगी एक्सेप्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, सब पे लाइट आ जाएगी, कोई डार्क वार्क कुछ नहीं दिखेगा आपको, सब कुछ लाइट्स का दिखेगा आपको, केवल जो क्लियरिटी होगी वो आपको केवल सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की होगी। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट जो सेंट्रल फ्रिंज है या सेंट्रल मैक्सिमा है वो व्हाइट लाइट यूज करने पर भी एकदम व्हाइट रहेगा, ठीक है ना, बाकी सब जगह एकदम हॉश पॉश कलर पैटर्न दिखेगा, कुछ भी आप क्लियरली नहीं बोल पाएंगे अगर वाई डी एस सी में व्हाइट लाइट यूज करी जाए इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो क्या होने वाला है, सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट, सेंट्रल मैक्सिमा स्टिल व्हाइट, क्यों है कोई बता सकता है, सेंट्रल मैक्सिमा स्टिल व्हाइट क्यों रहेगा, सेंट्रल सब मैक्सिमा कलर्स वहां पे नहीं कट होगी होते हैं। लाइट तो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं होगा। नहीं नहीं रूपाली नहीं, सब कुछ वही होगा जैसा हो रहा है, डिफ्रेक्शन वो मतलब इंटरफेरेंस होगा, दो अलग अलग सोर्सेस से व्हाइट सुपर इम्पोज करेगी। ठीक है, सारे कलर्स होंगे लेकिन हाँ तो सारे कलर्स का मैक्सिमा होगा ना बेटा, सारे सेंट्रल कलर्स का ही वो क्योंकि जीरो आ जाता है ना। सेंट्रल ब्राइट का क्या मतलब है, जहां पर एन जीरो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कोई सी भी कलर आए लाइट क्या फर्क पड़ता है, इस ओ पॉइंट पर तो पार्ट डिफरेंस हमेशा ही जीरो है, तो इस पर क्या होगा, सारे कलर का ही मैक्सिमा हो गया, तो सारे कलर बहुत ज्यादा मतलब फिर सारे मिलके क्या बनाएंगे, व्हाइट बनाएंगे। ठीक है, तो पहली बात जो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं कि अगर इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन सेंट्रल मैक्सिमा विल स्टिल बी व्हाइट। ठीक है, बिल्कुल व्हाइट होगा, चलो ये बात ठीक है, ये सब पढ़ते हैं, बट उसमें एक बात और लिख रहा है, ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट विद रेड कॉर्नर्स, तो ये कॉर्नर्स कभी पूछ लिए सेंट्रल मैक्सिमा के, ठीक है, तो फिर आपको क्या लगने लगेगा कि देखो आप क्या बोलोगे, अब सेंट्रल मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा किसका है, ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के सबसे पास किसका मैक्सिमा होगा, वायलेट का होगा कि नहीं, थोड़ा आइडिया लग रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा के सबसे पास जो यस होगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के सबसे पास होने का मतलब क्या है, सबसे थीटा, कम ठीक वेवलेंथ है, थीटा सबसे कम होना चाहिए, थीटा सबसे कम किसका होगा, जब वेवलेंथ सबसे कम हो, अरे याद है कि सब भूल गए एकदम, ये बताया था ना, क्या आगे बोल गया था, इधर बढ़ने हाँ इधर बढ़ने पर पर बी से आर की तरफ वेवलेंथ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, वेवलेंथ तो सबसे देखो ये पूछा यस जाए सबसे पहले मैक्सिमा किसका होगा, व्हाइट लाइट यूज अगर कर रहे हैं तो आंसर वॉयलेट हो, बिल्कुल वायलेट का लेमडा सबसे कम है, वायलेट का मैक्सिमा सबसे पहले में, बट अगर ये पूछा जाए कि उस सेंट्रल मैक्सिमा के कॉर्नर्स पर कैसा कलर दिखेगा, ठीक है, तो वो वायलेट नहीं दिखता है बेटा, वो रेड दिखता है, ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि सेंट्रल मैक्सिमा से सबसे पास में मैं पूछूं अगर मिनिमा किसका हो, तो आपका जवाब क्या होगा बताना है, सेंट्रल पास के पहले सबसे पहले मिनिमा किसका होगा, वायलेट का ही तो होगा, उसी की तो वेवलेंथ सबसे कम है, अरे मिनिमा की कंडीशन यही है ना, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई टू, हाँ सर इसका लेमडा सबसे कम, यस उसका मिनिमा सबसे कम, तो मतलब वहां पे वायलेट कलर खत्म हो जाएगा, तो डोमिनेट कौन सा करेगा, लास्ट कलर डोमिनेट करता है बेटा, कहीं ये खत्म हो रहा हो तो फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं कलर, और फाइनली वहां पे कैसा कलर दिखता है, रेड कलर दिखता है, तो जो सेंट व्हाइट लाइट यूज करने पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है ना, इसका जो कॉर्नर देखे गए वो वायलेट नहीं देखे गए, रेड कलर के देखे गए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेड कलर का मैक्सिमा है, इसका मतलब है कि वो वायलेट कलर का मिनिमा हो गया है वहां पर, तो इसलिए रेड कलर डोमिनेट कर गया है, तो वो आपको रेडिश दिखता है। ठीक है, बात क्लियर है आपको, तो ये बात कभी भी नहीं भूलनी है, बहुत जल्दी आपको दिखने वाला है प्रॉब्लम कि सेंटर अगर हम वाई डी एस सी में व्हाइट लाइट यूज करें तो सेंट्रल मैक्सिमा के कॉर्नर्स किस तरह के दिखेंगे, ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा के कॉर्नर किस तरह के दिखेंगे, ठीक है ना।
तो आपको सेंट्रल एक बार मैक्सिमम, वापस बता दो वो वायलेट का मिनिमा वैल्यू का। हाँ वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है, यस सर। वायलेट का मिनिमा सबसे कम है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसलिए उसका मिनिमा सबसे क्लोज होगा। तो मिनिमा बेटा इसका होगा, तो डोमिनेटिंग कलर कौन सा हो जाता है वहां पे, रेड हो जाता है। देखो धीरे, यहाँ से बिल्कुल कलर गायब हुए, थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, एंड में जा एंड वाला सबसे ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या दिखेगा आपको, रेडिश उसकी कॉर्नर्स दिखेंगे, बस यही बात है। वॉयलेट खत्म होता है तो रेड वहां पे डोमिनेट सा दिखता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉर्नर्स कैसे होंगे, रेड होंगे, आपसे पूछा जाए सबसे पहले मैक्सिमा किसका होगा, तो फिर रेड मत कर दो, ठीक है। ये व्हाइट के जो सब सेंट्रल मैक्सिमा है, व्हाइट वाला, इसके सबसे क्लोज मैक्सिमा किसका आएगा, वॉयलेट का है, ठीक है। बट कॉर्नर कैसे दिखेंगे, तो रेडिश कलर दिखता है, क्यों दिखता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और फिर एनसीईआरटी ने ये भी लिख रखा है कि लाइट वेव्स कमिंग आउट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज विल ऑलवेज बी इनकोहेरेंट, ये मैंने आपको पहले ही बताया, लाइट के दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप कोहेरेंट कभी भी नहीं कर सकते हो, दे विल ऑलवेज बी इनकोहेरेंट, ठीक है। इसका रीजन भी लिखा हुआ है, पहले पता नहीं लिखता था, मैं आपको हटा दिया, पता नहीं लिख रखा है एनसीईआरटी ने, वही जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट की बात होती है कि लाइट का जो एमिशन है, वो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर स्टेट में जाते हैं तब निकालते हैं, दो अलग अलग सोर्सेज हैं, तो आप किसी भी तरह से उनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि वो हमेशा सेम फेज में रहकर लाइट एमिट करेंगे, ठीक है। तो जब इनिशियल फेज ही सेम नहीं है, तो स्पेस के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदलता जाए, ठीक है ना। निकाला क्या आपने डेल्टा फाई क्या होता है, स्पेस के किसी भी पॉइंट पर दो सोर्स से लाइट आ रही है, जनरल एक्सप्रेशन, कोई आइडिया सीरियस नहीं, बहुत ही सिंपल, बताया था कि नहीं बताया था आपको, बोलो याद है, भूल गए बिल्कुल। एक सोर्स है एस वन, एक एस वन, एक एस टू पी, हाँ, तो ये बहुत ही जनरल एक्सप्रेशन है, एस टू पी माइनस एस वन पी, ठीक है ना। अब आपका यही अगर लगातार बदल रहा है, तो ये भी टाइम के साथ बदल, फिर क्या होगा, जो होता है नॉर्मली हमको रूम में कहीं भी नहीं दिखता, ठीक है ना। एक मान लो सनलाइट आ रही है, ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, कहीं कुछ अंधेरा नहीं दिखेगा हमको, तो लाइट ही लाइट दिखती है, क्यों हो रहा है वहां पर, बार बार हो रहा है बेटा, हर पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है लगातार, बट वो हमारी आईज की लिमिटेशन है, वो इतनी जल्दी चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि तो इस फार्मूले को कई बार बताता हूँ मैं, तो शायद बहुत लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है, ठीक है, तो उनको लाइफ में कभी इस इंटरफ्रेंस को या फिर डिफ्रेक्शन को समझने में दिक्कत नहीं आती, कभी भी नहीं आती, आगे भी नहीं आती। अगर ये बात जो मैं बताता रहता हूँ, बहुत बार बताइए, मैं अगर उसको आपको उतनी फीलिंग से समझ में आ गई जितनी फीलिंग से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आप कभी नहीं भूलते कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इसको कोई इंटरफेरेंस की जरूरत थोड़ी नहीं है, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोहेरेंट सोर्सेस की, ये तो सिंपल साइन फंक्शन का एडिशन है बेटा, और क्या है, ठीक है ना, मैथ से सिंपल, ठीक है। बट बात ये है कि अगर ये टाइम के साथ नहीं बदलेगा, फिक्स है, तो स्पेस के एक पॉइंट पर जहाँ लाइट है वहां लाइट ही रहेगी, जहाँ डार्क है वहां डार्क ही रहेगा, लाइट डार्क ऐसे वो टाइम के साथ नहीं बदलेगी, ठीक है। तो आपकी आईज उनको देख लेंगी, अब किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर, जैसे रूम की दो ट्यूबलाइट है, तो उनके तो फेज डिफरेंस किसी भी पॉइंट पे लगातार बदल रहा है, इतनी तेज वेरिएशन है कि आपको इसका मैक्सिमम और मिनिमम दिखाई नहीं देता, आपको तो यूनिफॉर्म सी लाइट सी नजर आती, ठीक है। इसलिए आपको अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, ये जो डिफरेंस होता है, आपकी आईज इसको डिटेक्ट नहीं कर पानी, वो जब समझना मैं चाहिए। ब्राइटेस्ट दिख थोड़ी ना दिखती है जो अपन देख रहे हैं। दोबारा बोलो, कुछ भी नहीं दिखता ना हमको, तो एक ही लाइट, एवरेज दिखता है आपको, तो इसका एवरेज हाँ, वो निकाल, एवरेज ही होगी ना। ये भी सिखाऊंगा आपको रूम में किसी भी पॉइंट पर एवरेज इंटेंसिटी कितनी, ठीक है। तो आपको पता है इसका एवरेज कितना होगा, 0 से 2 पाई तक लगातार बदल रहा है, कॉस फाई नॉट का, कॉस फाई नॉट, कॉस ओमेगा टी हो गया एक तरह से, ये फेज डिफरेंस ही तो है हाँ सर, ना, यस, तो इसलिए आपकी जीरो। इसके एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये भी करेंगे, मैंने अलग से टॉपिक लिखा है, क्योंकि एक बार एडवांस ने ये भी पूछ लिया, उसने बिल्कुल नहीं कहा कि तीन सोर्सेज उसने ऑन किए थे, उसने कहीं नहीं लिखा था कोहेरेंट है क्या, एवरेज इंटेंसिटी जस्ट पूछी थी, बच्चे सब छोड़ के आए थे कुछ, ये पहली बार हुआ था ऐसा, ठीक है। बट अब आप ध्यान रखिए, इनकोहेरेंट सोर्सेज में तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल इंटेंसिटीज को जोड़ना है बस, देखो एवरेज इंटेंसिटी क्या आ गई, 0 हो गया, क्या बच गई, I1 + I2, ये नहीं कर पाए थे बच्चे, तीन सोर्सेज की इंटेंसिटी को ऐड नहीं कर, आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने इतना सिंपल तो देता नहीं है, उसने एंगल पे सोर्सेज लगाए थे, तो वो इंटेंसिटी की डेफिनेशन अगर आपको याद है, इंटेंसिटी एनर्जी इंसिडेंट डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर एरिया, मैं कई बार बताता हूँ, तो आप कर पाओगे उसको, ठीक है ना।
तो इनकोहेरेंट सोर्सेस का हम अलग से इसलिए मैंने एक लेक्चर में टॉपिक में नाम ही रख दिया है सुपरपोजिशन ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेस, जिससे कि अब आपसे कभी ऐसी गलती ना हो जाए कि इनकोहेरेंट सोर्सेस से रिजल्टेड इंटेंसिटी ना निकाल पाओ। इनकोहेरेंट तो पढ़ते ही पढ़ते रट लेते हो पूरा YDSC, मॉडिफाइड भी याद कर लोगे आप, सब कर लो ठीक है, बट वो आपको ये ध्यान नहीं रहता कि अगर वो फाइन नॉट टाइम के साथ बदल रहा है लगातार तो उसकी एवरेज वैल्यू जीरो है। तो इनकोहेरेंट सोर्सेज में तो कुछ नहीं करना, कोई फेज डिफरेंस नहीं निकालना, कुछ नहीं करना, सिंपल इंटेंसिटीज को ऐड करना है बस ठीक है। चलो तो ये सब बातें थी आपकी, थ्योरी इतनी थी YDSC की एडवांस की थी ठीक है। अब प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर और थ्योरी पर आएंगे, एडवांस की थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें ठीक है, बट मेंस में यहीं तक के क्वेश्चन पूछे गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा ठीक है ना। यहीं तक की जो बेसिक इन सिंपल YDSE पर जो प्रॉब्लम्स बनती हैं, कभी उसने थिन फिल्म रिफ्लेक्शन अपन तो बहुत ज्यादा करें ठीक है, बट उसने कभी नहीं पूछा, बट KVPY ने बहुत पूछा है और JEE ने एडवांस में बहुत पूछे उनके क्वेश्चन, वही शुरू वाले नहीं पूछते ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं।